जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरुजी के चंदन के तिलक से कैसे ठीक हो सकते हैं। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। संगत जी, अगर आप में से किसी को भी बॉडी पार्ट में पेन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप गुरुजी के चंदन के तिलक को लगा सकते हैं। अब गुरुजी के चंदन का तिलक कैसे लगाते हैं? पहले गुरुजी के स्वरूप के आगे जोत जलाएंगे और उन्हें चंदन का तिलक लगाकर आपको जहाँ भी पेन है या फिर कोई प्रॉब्लम है वहाँ उसी फिंगर से, जिस फिंगर से आपने गुरुजी को तिलक लगाया था उसी फिंगर से उस जगह पर तिलक लगाना है। आपने फिर से फिंगर पर चंदन नहीं लेना है। जो तिलक गुरु जी को लगाने के बाद आपकी फिंगर में है वही तिलक आपको अपनी पेन या फिर प्रॉब्लम वाली जगह पर लगाना है और फिर गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करना है और फिर उनसे अरदास करनी है कि गुरु जी प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम या फिर पेन को ठीक कर दीजिए। उसके बाद आप गुरु जी का चमत्कार देखिए कैसे गुरु जी आपको जल्दी से ठीक कर देते हैं। इसी पर मैं आपको 2 छोटे छोटे सत्संग सुनाती हूँ। एक संगत जी के अचानक से रात को लेफ्ट ईयर में बहुत पेन हुआ। अब वो सोचने लगी कि इतनी रात में वो कौन से डॉक्टर के पास जाएंगी। फिर उन्हें एक आंटी ने शेयर किया हुआ था सत्संग जो उन्हें याद आ गया। उसमें चंदन के तिलक का मिरेकल बताया गया था तो उन्होंने भी वैसा ही किया। वो जल्दी से उठकर गई, गुरुजी के आगे उन्होंने जोत जलाई। उन्होंने गुरुजी को पहले चंदन का तिलक लगाया और फिर अपने लेफ्ट ईयर पे चंदन का तिलक लगाया और फिर गुरुजी का मंत्र जाप किया। गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इतनी रात में मैं किसी भी डॉक्टर के पास अकेले नहीं जा सकती, प्लीज़ मेरे कान का दर्द जल्दी से ठीक कर दो। उसी टाइम गुरुजी ने संगत जी की पुकार सुन ली। गुरुजी की महिमा और अपनी संगत के लिए इतना प्यार था कि उन्होंने उनका दर्द कुछ मिनट में ही ठीक कर दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गई और आराम से रात में सो पाई। जय गुरुजी। अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी के हस्बैंड फैक्ट्री शिफ्ट करते वक्त एक रॉड उतार रहे थे। वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया की 11,000 वॉट मीटर की एक वायर आ रही थी जो रॉड से टच हुई और उनके हस्बैंड को करंट लग गया और वो बेहोश हो गए। 5 मिनट बाद उन्होंने कोई शक्ति रियलाइज़ की। गुरुजी आए थे और उन्हें होश आ गया और तब तक 25% वो जल चुके थे और उनके हस्बैंड ने उनको खुद कॉल करके बताया कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया है और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ। संगत जी जल्दी से हॉस्पिटल पहुँची और उधर से फैक्ट्री वाले उनके हस्बैंड को हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू हुआ डॉक्टर ने सर्जरी के लिए कहा। उन संगत जी को पता भी नहीं था कि गुरुजी ने सब कैसे किया और उनका ट्रीटमेंट सब अच्छे से हो गया। आज वो बिल्कुल ठीक हैं। सर्जरी के 21 दिन बाद जहाँ से स्किन ली थी वहाँ की बैंडेज ओपन होनी थी। जब डॉक्टर ने ओपन की वो थोड़ा डिसअपॉइंट हुए कि इतने दिनों के बाद भी ज़ख्म सूखा नहीं है, ब्लीडिंग हुए जा रही है। डॉक्टर ने संगत जी को कहा इनको रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा और आप 2 दिन के बाद बैंडेज चेंज करवाने आ जाना। संगत जी अपने हस्बैंड को घर लेकर आ गई। घर आकर वो गुरुजी के सामने बहुत रोई कि मेरे हस्बैंड ठीक ही नहीं हो रहे हैं। फिर उन्होंने गुरुजी के चंदन के तिलक के बारे में कहीं से सुना था, उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने पहले गुरुजी के आगे जोत जलाई, फिर उनको चंदन का तिलक लगाकर अपने हस्बैंड के घाव पर चंदन के तिलक लगाया और फिर जब वो 2 दिन के बाद डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जैसे ही पट्टी खोली तो वो हैरान रह गए कि ये घाव अभी तक तो सूखा नहीं था, 21 दिन हो गए थे, तो ये 2 दिन में इतनी जल्दी कैसे सूख गया। संगत जी बहुत खुश हुई
संगत जी ने मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये जल्दी रिकवर हो जाएंगे। गुरु जी की कृपा से उनके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए। तो अब आप खुद सोचिए, गुरु जी मिरेकल्स करते हैं। बस हमें गुरु जी पर विश्वास रखना है, जो भी करना है सच्चे मन से करना है। गुरु जी मिरेकल ज़रूर दिखाते हैं। अगर आपको गुरु जी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।